नमस्ते, मी धनश्री शिंदे, राजमुद्रा न्यूज लाईव्हच्या अध्यात्म मुद्रा या विशेष सत्रात आपल्या सर्वांचे स्वागत करते. आपण रमजानचा महिना सुरू आहे आणि रमजानच्या महिन्यामध्ये सर्वात जास्त सगळ्यात आधी सेवन हे खजुराचं केलं जातं. तर आपण या ठिकाणी देगलूर मार्केटला आलेलो आहोत आणि पाहूया इथे खजूर मार्केटमध्ये आपण जातोय कुठल्या प्रकारचे खजूर आहेत आणि त्यांचं सेवन सुरुवातीलाच का केलं जातं असं आपण प्रेक्षकांना विचारूया. भरपूर प्रकारचे खजूर आहेत, त्यांना आपण विचारूया की खजुरांचे एकूण प्रकार किती असतात. 10 प्रकार की खजूर है, जैसा ये मिट जॉल, मगरूम मदीने मुनवर की है, ये अजवा है जंबो साइज की, ये अंबर है, इसका साइज देखो आप, एकदम बड़ा साइज का खजूर है, एकदम बोल्ड साइज का आता है. ये आता है कलमी डेट्स, जिसे कलमा कहते हैं बहुत सारे लोग. ये वाला मदीने मुनवरा का है. ये वाला है छोटा साइज, ये नागल है, ये मरियम है, और ये अपना रेगुलर बरारी कहते हैं इसे, और ये है सुपरी. सबसे ज्यादा चलने वाली है मदीने की सुपरी खजूर, ये सुगई, और इसमें है गिफ्ट पैकिंग में हमारे गेट्स यूवी की है, तो बाकी सब मदीने की है. ये अपने रेगुलर गौरानी खजूर है, सीडलेस. आपण बघू शकतो इतक्या सगळ्या प्रकारचे खजूर आहेत, पण प्रश्न हा आहे की रमजानचा जो उपवास असतो रोजा त्याचा तो जो सोडला जातो तर खजूर खाऊन सोडला जातो, तर असं नक्की खजूरच का दुसरं काही का खाऊन का नाही सोडला जातो. खजूर का असली ही है कि हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद है, मैसेंजर ऑफ गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बताया है कि खजूर से रोजा खोलना चाहिए. बाकी सबसे खोल सकते हैं, मगर जो इसके जो फायदे हैं वो दूसरे उसमें नहीं है. खजूर के जो फायदे हैं खजूर से खोलना चाहिए, और ड्राई फ्रूट खा के खोला जा सकता है, मगर खजूर की जितनी एनर्जी कोई ड्राई फ्रूट में नहीं है. जितनी 10-12 घंटे का जो रोजा रहता है, एनर्जी बूस्टर के लिए बहुत अच्छा है. आपने खजूर के बारे में काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी. अब हम उनसे जानेंगे कि रमजान में खजूर के अलावा और कौन से ड्राई फ्रूट की ज्यादा बिक्री होती है. खजूर के अलावा रमजान में खास स्पेशल रूह अफ़ज़ा, और इसके अलावा फालूदा और कस्टर्ड वगैरह खीर के लिए ये आइटम्स ज्यादा चलते हैं. रमजान काजू है, बादाम है, अंजीर है, समोसा भी ज्यादा चलते हैं, और बहुत सारे आइटम है जो रमजान में चलते हैं. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कस्टमर्स आए हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि वो यहाँ पर क्या खरीदने के लिए आए हैं. खजूर. खजूर ही क्यों? हमारे हुजूर की सुन्नत है और उससे प्रोटीन ज्यादा मिलता है खजूर, इसी के लिए हम उसी से करते हैं. और कौन से अपने अभी यहाँ से क्या क्या खरीदे हुए? फिलहाल खजूर के लिए आए थे, और खजूर की ज्यादा महत्व रहता है, उसी से हम इफ्तारी जब पहला मुआला लेते हैं ना, तो खजूर से ही खुलते हैं. और हम पूछेंगे आपने अभी अपना रोजा खोला है? जी हाँ, खोल दिया हूँ रोजा. और रोजा क्या खा के खोला है आपने? रोजा तो शुरुआत हम खजूर से करते हैं, उसके बाद जो दूसरे फ्रूट्स है उससे भी हम रोजा खोलते हैं, जैसा कि उसमें तरबूज है और दूसरे जो फ्रूट है उसके साथ भी हम रोजा खोलते हैं. और यहाँ पर आप क्या खरीदारी करने के लिए आए हो? अभी यहाँ पे क्योंकि ड्राई फ्रूट के अंदर जैसे क्योंकि ईद के मौके पर हम सुरखुमा बनाते हैं, तो सुरखुमे के अंदर बादाम है, काजू है, और मुख्तलिफ जो है ड्राई फ्रूट का जो सुरखुमा बनता है उसे खरीदने के लिए आए थे. आपण देगलूर नाका इथे एका ड्राय फ्रूट शॉपला व्हिजिट केलं होतं, इथे खजूर आणि भरपूर सगळे ड्राय फ्रूट आलेले आहेत, तर आपण बघूया की रमजान मध्ये अजून काय काय नवीन असतं. चला तर मग अभी हमने देखा की रोजा खजूर नाके खोला जाता है, और उसके बाद हम देखने वाले की रमजान में सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली और खाई जाने वाली जो डिश है उसका नाम है हलीम. तो हलीम कैसे बनाई जाती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए देखते हैं. चलिए तो जानते हैं हलीम क्या है और कैसा बनाया जाता है. एक्चुअली क्या है, अपने इधर है रमजान का स्पेशल के लिए बनाया है. ये नॉर्मली इसमें आपको मटन आता है, और घी उठता है, गरम मसाला, जैसे खड़ा मसाला जिसको बोलते हैं, जो दाल आता है आपको पुआ दाल, मिसल का दाल, जो जो हाई जो बॉडी के लिए जो अच्छा लगता है, जो बॉडी के लिए जो अच्छा है, वही हम लोग इसको यूज करते हैं इधर. और रमजान में हलीम केक क्यों
जाता है, ज्यादा पसंद क्यों किया जाता है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है? एक्चुअली क्या है, ये क्या होता है, अपना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। दिन भर अगर लोग रमजान अगर यूज करते हैं तो उसके लिए क्या है, बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो हलीम का जो है उसके बाद अपना जो स्टेमिना रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, बॉडी के ऊपर इसका अच्छा गुड इफेक्ट मिलता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा तो हलीम ही प्रेफर करते हैं। हलीम कैसे बनाया जाता है? वही मैम, आपको नॉर्मली ऐसा है जो मटन आता है, मटन जो विथ बोन मटन है उसको लेके और खड़ा मसाला, गरम मसाला, अच्छा टाइप का डाल आता है, पुआ डाल, मिसर का डाल, नून डाल, ये सब डाल यूज करके एक साथ में इसको बनाते हैं। तो इसको बहुत टाइम लगता है, लगभग 2 से 2.5 घंटे तक इसको हम लोग पहले पेपर करके उसको बॉयल करते हैं। तो जब एकदम सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इसको बनाते हैं। इसमें आपको बाद में गर्म बाद में घी यूज होता है, प्योर घी, और आपको पुदीना, वरिष्ठ आलू जिसको फ्राई ऑनियन बोलते हैं, ये सब यूज होता है इसमें। और हलीम के लिए कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसा है? एक्चुअली कस्टमर का रिस्पॉन्स बहुत है। पहले हम लोग जब चालू किया था अपने को पता नहीं था कैसा है कैसा नहीं, तो ये होटल लगभग अभी 2-3 महीना चालू हुआ है, इसके लिए धीरे धीरे हम लोग चालू कर रहे थे। लेकिन जो गेस्ट है उसका बहुत फीडबैक अच्छा आ रहा है, तो इसके लिए इसका भी हम लोग बहुत एक्स्ट्रा, अभी पहले जैसे 5 किलो 6 किलो बना रहे थे और अभी 10 से 15 किलो तक आ गया है। डेली का इसका सेल बहुत अच्छा है, गेस्ट का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो हम देख सकते हैं कि रमजान में स्पेसिफिकली हलीम बनाया जाता है और इनके पास लगभग 10 से 15 किलो हलीम रेगुलरली बनता है। एंड आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी इसके लिए राजीव भाई सर। अभी हम यहाँ पे मज्जू के पिता के पास आए हुए हैं, तो अभी हम जानेंगे कि यहाँ से कि रमजान के महीने में स्पेशलिटी, रमजान के महीने की स्पेशलिटी क्या है और इस महीने में क्या किया जाता है। रमजान के महीने में नमाज सब लोग पढ़ते हैं, तो जो रेगुलर नमाज पढ़ते हैं रमजान के महीने में नमाज पढ़ते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए कैसा है कि एक मुसलमान पर जो है दिन में 5 नमाजें फर्ज है, यानी कि 5 नमाजें उसे पढ़ना ही चाहिए और पढ़ते भी है। लेकिन रमजान जो है ना, ये रमजान में जो है कुरान नाजिल हुआ है, यानी कि कुरान जो है वो अवतरित हुआ, अल्लाह ताला ने जो है वो बंदों को दिया है। तो ये कुरान जो है इस वजह से ये रमजान का महत्व बढ़ जाता है, इसलिए कि जो है जब रमजान में कुरान नाजिल हुआ तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया। उसका शुक्र अदा करने के लिए हम लोग जो है रोजा रखते हैं, हमें कहा गया है कि रोजा रखें आप, तो महीना भर रोजा रखा जाता है। और इसी वजह से जो है इस शुक्र, इसलिए कि रमजान में जो कुरान नाजिल हुआ है तो उस रमजान में कुरान को पूरा सुना जाता है, यानी कि इस नमाज में तरावी की नमाज जिसे कहा जाता है इसमें जो है कुरान सुना जाता है, इसका जो इम्पोर्टेंस है। यानी कि और भी 5 नमाजें पढ़ी जाती है उसके अलावा, शाम की जो नमाज, रात की जो नमाज रहती है, रात की नमाज में रोजाना एक एक पारा जो है वो कुरान सुना जाता है। इस तरीके से मुकम्मल कुरान, कम्प्लीट कुरान इस महीने में सुना जाता है, इसको तरावी की नमाज कहते हैं। तरावी की नमाज में मुकम्मल कुरान, कम्प्लीट कुरान सुना जाता है। हम देख सकते हैं कि रमजान के पूरे महीना आप उपवास करते हो, तो आपको कुछ जब आप रोजा खोलते हो तो कमजोरी महसूस होती है? देखिए कैसा है कि जो रोजा है, रोजा ये हमारे जो बॉडी है या जिस्म है, तो जिस्म के अंदर भी जो है इसको सफाई का काम करती है। ये सफाई होने की वजह से जो है जिस्म में भी एक नई एनर्जी, नई तवानाई, नई जो है खुशी, उमंग जो है रोजे की वजह से महसूस होती है। आप देखते हैं कि जैसे 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, जिसको रोजा रखना जरूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, फिर भी जो है ये बच्चे 9 साल 10 साल की उम्र के बच्चे भी बड़ी खुशी से और बहुत आसानी से रोजा रखते हैं। तो रोजा रखने से जो है कमजोरी बिल्कुल भी नहीं आती, बल्कि जो है ये महीने में जो रोजा रखा जाता है उसमें एक जिस्म में, बॉडी में एक एनर्जी डेवलप होती है। और जब जब जिस्म में, बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है तो हमारी जो रूह है, या जिसे हम स्पिरिट कहते हैं या जिसे हम आत्मा कहते हैं, तो इसके अंदर भी जो है एक चेंज आता है। तो इसलिए कहा गया है कि रमजान में जो है जो रोजा रखने से इंसान के अंदर चेंज डेवलप होता है, उसके अंदर तकवा डेवलप होता है, अल्लाह ताला का डर डेवलप होता है, और इंसान जो है वो भूख और प्यास को, गरीब लोगों की जो जो मजबूरी होती है, परेशानी होती है, भूख रहती है, प्यास रहती है, इस चीज को भी महसूस करता है। और रोजा रहने की वजह से इंसान का दिल नरम होता है और वह दूसरों की मदद के लिए आगे आता है। तो रोजे की वजह से जो है कोई कमजोरी पैदा नहीं होती।
जैसे आदमी अपने अंदर एनर्जेटिक महसूस करता है और लोग बहुत खुशी खुशी से रोजा रहते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अभी आपने बोला कि एक 7 साल के बच्चे भी रोजा रखते हैं, तो स्पेसिफिकली क्या है कि रोजा मतलब किनके लिए कंपल्सरी, कितने साल से रखना चाहिए और उसके कुछ रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस क्या है? जी जी, ऐसा है, रोजा जो है उसके लिए है जो मैच्योर है या बालिग है। यानी तो यूँ समझ लीजिए कि आप 14 से 16 साल की उम्र के जो लोग होते हैं तो उनके ऊपर रोजा कंपलसरी है, फर्ज है। और रोजा जब जो है सूरज निकलने से पहले जो है जिसे सहरी कहते हैं उसमें हम खाना खाते हैं, स्पेसिफिक टाइम रहता है उसके अंदर ही खाना होता है सुबह। और जब सूरज गुरुद होता है या सूरज जो है उठता है उस वक्त में जो है रोजा छोड़ा जाता है या रोजा खोला जाता है या इफ्तार किया जाता है। तो ये पूरी दुनिया में अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसका ड्यूरेशन टाइम अलग अलग होता है। कहीं पर ये 22 घंटे है, कहीं पर 16 घंटे है, कहीं 18 घंटे है। आमतौर पर अपने इंडिया में ये 16-16.5 घंटे का टाइम यहाँ पे बनता है। और इसमें यह रहता है कि जब उसका टाइम खत्म हो जाए तो खाना पीना और जो है वो सब सारी चीजें जो हम आम दिनों में करते हैं, जैसे जो शादीशुदा लोग हैं वो जो है बीवी के साथ में जो संबंध है तो ये भी जो है रोजे की हालत में नहीं होता है। पानी नहीं पीना है, खाना नहीं खाना है और वो चीजों के जो साधारण चीजें जो आमतौर पर होती है उससे रुके रहना पड़ता है रोजे की हालत। जी बिल्कुल, आपने बताया कि रोजे में ये करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन होते हैं कि रोजे में ये करते हैं, वो नहीं करते, ये करना चाहिए, तो ऐसा क्या स्पेसिफिक चीज है कि जो रोजे में करनी चाहिए, जिनको फॉलो करना चाहिए और कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो रोजे में नहीं करना चाहिए? खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है। यानी रोजा ये नहीं है कि जो है हम सुबह उठे और खाना खा लिया उसके बाद हमने ना खाना खाया ना पानी पिया, बल्कि रोजा ये है कि इंसान के हर वो चीज, जैसे अगर जबान है तो इंसान जो है जबान से अच्छी बात करे, वो खराब बात नहीं करे। आँख है तो आँख से वो अच्छा देखे, खराब ऐसी चीजें ना देखे जिससे जो है हमको देखने से मना किया गया है या खराब चीजें हैं। तो हमारे पैर है तो हमारे पैर जो है रोजे की हालत में ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे हमको नहीं जाना चाहिए। और जैसे कभी कोई बात ऐसी हो जाती है सोसाइटी में कि जो है इंसान पे गुस्सा आ जाता है, तो ये कहा गया कि जो है रोजे की हालत में सामने वाले से कहे कि अरे भाई मैं रोजे से हूँ इसलिए मैं आपको ना गुस्सा कर सकता ना आप मुझे कहे तो इस तरीके से तो डिस्टर्ब कीजिए। तो ये सब सारी चीजें जो है रोजे की हालत में हमको मना किया गया है, तो हमको इससे रोजे की हालत में खाने पीने के अलावा भी इन सारी चीजों को रुकना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने अभी बताया। और एक क्वेश्चन था कि रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, तो रोजा जब खोलते हैं तो खजूर खाके ही खोलते हैं, तो इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए, खजूर जो है ये एक पौष्टिक आहार है जिसे हम ये कहेंगे कि जो न्यूट्रिशियस डाइट है, तो जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसमें प्रोटीन है, इसमें ग्लूकोज है और ये अरब में जो है पैदा होने वाला फ्रूट है, तो इसमें अरब में पैदा होने की वजह से भी और जो है इसमें ये सब सारी चीजें न्यूट्रिशियस जो फूड है, तो ये सब सारी चीजें होने की वजह से जब हम रोजा खोलते हैं तो उससे जो है तुरंत एनर्जी मिलती है। तो खजूर में जो है एक पौष्टिक आहार है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर रहती है, तो इसको बहुत स्पेसिफिक ये है कि ये जिसे हम सुन्नत कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को अडॉप्ट किया उन्हीं चीजों को हम लोग भी अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम खजूर से रोजा खोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी आपने। हम देखते हैं कि रमजान के महीने में मार्केट में काफी भीड़ लगी हुई रहती है, तो इस सीजन में सबसे ज्यादा क्या चीजें खरीदी की जाती है? देखिए, कैसा है कि मुसलमानों के अंदर दो त्यौहार है, सिर्फ दो त्यौहार है। एक ये है कि रमजान की ईद है और दूसरा जो है बकरीद ईद जिसे कहते हैं, या बकरी ईद भी आमतौर पर कहा जाता है। तो रमजान की ईद में जो है हर इंसान ये चाहता है कि जो है वो ईद के जो ईद मनाने का जो तरीका है वो ये है कि उस दिन जो है इंसान के पास जो कुछ भी मौसम है, जो कुछ कपड़े उसके पास में है तो कपड़े नए होना चाहिए। अगर कपड़े नए नहीं ले सकता है तो वो अपने पुराने ही कपड़ों को अच्छी तरीके से धोकर वो इस्तेमाल करे। और लोग ये चाहते हैं कि जो है जिनके पास पैसा है वो चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनका वो लोग भी ईद मनाने से महरूम नहीं रहे, बल्कि वो लोग भी ईद मनाए, वो लोग भी नए कपड़े पहने और जो है
जिसे शीरखुरमा कहते हैं वो चीज जो है वो इस्तेमाल करें ईद के दिन। इसी तरीके से फितरा कहा जाता है जिसे कि हर इंसान को, अगर कोई इंसान अभी ईद से एक घंटा पहले भी अगर पैदा हुआ है तो उसके नाम पर भी जो है तकरीबन 1.25 किलो 2.5 किलो गेहूँ या उसको कीमत अदा करनी होती है। यानी कि हर आदमी फितरा एक अलग चीज है और ज़कात भी जो है हम देते हैं, यानी कि हमारा जो टोटल एक साल में जितना पैसा हमारे पास बच रहता है तो उसका 2.5% जो अमाउंट है वो हम गरीबों में तकसीम करते हैं। इस तरीके से पूरी मुस्लिम सोसाइटी में चाहे उसके पास पैसा हो या पैसा ना हो, दोनों कंडीशन में भी जो है अमीर के पास पैसा गरीब के पास जाता है। इसीलिए जो है हर आदमी मार्केट में आपको नजर आएगा, कपड़े खरीदेगा, रोजेदार जो है रोजा खोलने के लिए फ्रूट खरीदेगा, इसलिए पूरा ऐसा महसूस होता है कि जो है मार्केट में जो है चहल पहल है, खरीद फरोख्त है, बिक्री ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम रोजा, असल में बात तो यह है कि एक मुस्लिम कम्युनिटी में रोजा रखने का चलन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही है, किसी को नया कोई इंट्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए माहौल है तो इसलिए हर बच्चे बच्चे को ये मालूम है कि रमजान का क्या महत्व है, रोजे का क्या महत्व है, तरावी का क्या महत्व है, और इसको जो है रोजा रखने के सिलसिले में सब लोग जो है जोश से, फरोश से और चाहत से रोजा रखते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो है जो लोग नया रोजा जो रखना चाहते हैं या रखते हैं तो वो सारे जो आदाब उसके होते हैं, जो तौर तरीका होता है, वो सब लोग जो है उसको फॉलो करते हैं और हम और बेहतर तरीके से कितना अच्छा हम रख सकते हैं इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। तो आप आखिरी में हमारे चैनल के माध्यम से राजमुद्रा न्यूज लाइव की तरफ से बच्चे को कुछ कहना चाहेंगे या रमजान में कुछ बधाई देना? जैसे मैंने आपको बताया कि जो है रमजान का या रोजे का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो है तकवा पैदा हो। हम ये कोशिश करें कि जो है रमजान एक ट्रेनिंग का महीना है, एक महीना मुसलसल ट्रेनिंग दी जाती है कि हम अपने अंदर जो है अल्लाह का डर, गॉड फियरिंग पैदा करें। जो चीज हम रमजान से पहले जो जिन बुराइयों में हम मुब्तला थे या जिन खराब कामों में हम मुब्तला थे, रमजान के बाद वो हमारे जिंदगी से छूट जाना चाहिए। यही मेरा मैसेज तमाम लोगों को है कि हमारे अंदर जो है इस एक महीने के बाद अच्छाइयां डेवलप हो, बेहतर हमारे जो रहन सहन है या फिर हमारा जो इस्लामिक तर्ज जिंदगी है, तो ये हमारे अंदर जो है पहले से ज्यादा बेहतर रमजान के बाद होना चाहिए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें जानकारी दी, उसके लिए राजमुद्रा न्यूज लाइव की तरफ से आपके। रमजान का महीना चालू है तो आपण जाणून घेऊया की रमजानच्या मागचा नेमका इतिहास काय आहे। उपवासाचा जे कॉन्सेप्ट आहे ते आपण बघतो की प्रत्येक समाजामध्ये उपवासाचा कॉन्सेप्ट आहे आणि ही दैविक कॉन्सेप्ट आहे, त्याच्यात म्हणजे माणूस आपल्या ईश्वराकडे कसा वळतो आणि समाजाबद्दल त्याची म्हणजे उपाशी राहून इतर जे उपाशी लोक राहतात त्याच्याबद्दल त्याची भावना कशी निर्माण संदर्भात होईल, त्या संदर्भाने हे आपल्यासाठी म्हणजे सर्वांसाठी प्रत्येक समाजामध्ये आपल्याकडे काय असतं उपासन, आणि हा उपासन पाठीमागे एवढं उद्देश असतो की लोकांना एक तर आपल्या देवाजवळ जावं लोकांनी आणि ईश्वर भय आपल्या निर्माण व्हावं आणि समाजामध्ये जे लोक आहेत जे वंचित लोक आहेत त्यांच्याबद्दल दया भावना आपल्या आपल्यामध्ये निर्माण व्हावी यासाठी उपास असतात। आपण बघतो की रमजानमध्ये उपवास केले जातात, काही हल्लं पिल्लं चालत नाही, आणि उपाशी राहिल्यामुळे लॉंग टर्म उपाशी 12-14 तास जर आपण उपाशी राहिलो तर आपल्याकडे जे कॅन्सर संदर्भात जे जिवंत असतात सेल्स असतात त्यांच्या पण निर्मूलन होऊ शकतो आणि एक हेल्दी लाईफ स्टाईल आपल्याला आकारण्यासाठी
आणि पर्टिक्युलरली म्हणजे आपल्याला काय खावं आणि काय खाऊ नये त्याच्याबद्दल आपल्याला एक सेल्फ कंट्रोल हे पण आपल्यावर निर्माण होऊ शकतो. आपण बघतोय आजकाल इंटरमिटेंट फास्टिंग जे म्हणजे उपाशी राहून जे कॅन्सर सेल्स आहेत त्यांना डिस्ट्रॉय करण्याची प्रक्रिया आजकाल सुरू आहे, पण आपल्या जे पुरातन आहे समाजामध्ये खूप आधीपासूनच रोजा या माध्यमातून हे आपण करत आलेलो आहोत. रोजा हा आपल्या समाजामध्ये प्रत्येक गोष्टी ज्या असतात त्याची सुरुवात आपण गोड खाऊनच करतो आणि त्याच्यात एक लॉंग टर्म उपासामुळे पण आपल्याकडे शरीरामध्ये ग्लुकोजची मात्रा खूप कमी झालेली असते असल्यामुळं त्याची एक अपेक्षा असते की बाबा ते ग्लुकोज आधी कॉम्पन्सेट व्हावं त्याच्यामुळे पण आपण गोड खाऊनच आपलं काय करतो उपास. तुम्ही खूप छान इन्फॉर्मेशन दिली आम्हाला. राजमुद्रा न्यूज लाईव्हच्या माध्यमातून तुम्ही प्रेक्षकांना काय संदेश देऊ इच्छिता? ही 17 जे महिना आहे ते लोकांमध्ये देवभावना निर्माण व्हावी, लोकांमध्ये एकमेकाशी चांगले संबंध निर्माण व्हावे आणि आपल्या मध्ये जे लोक वंचित आहेत जे दारिद्र्य आहेत जे लोक ज्यांच्याकडे काही नाही त्यांच्याबद्दल आपल्याकडे चांगली भावना निर्माण व्हावी आणि समाजामध्ये सलोख्याचं वातावरण निर्माण व्हावं हीच आपली अपेक्षा आहे लोकांना हीच आपण सांगू इच्छितो. धन्यवाद. रमजान निमित्त आपण आताच सगळीकडे बघितलंय की खूप छान वातावरण आहे. सुरुवातीला आपण खजुरांचे प्रकार बघितले, त्यानंतर आपण रमजान मध्ये सगळ्यात जास्त खाल्ला जाणारा पदार्थ आहे तो बघितला आणि आताच आपण मस्जिदीच्या बाहेर जाणून घेतलं की रमजान मध्ये नेमकं काय केलं जातं, रमजानचं इम्पॉर्टन्स काय आहे. तुम्हाला आमचा हा व्हिडिओ कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा. धन्यवाद. मनोरंजनाचं प्रबोधन, करमणुकीचं उद्बोधन, बातमी अचूक, माहिती बिनचूक, पाहत रहा राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह.